बड़ी खबर पंजाब से है, जहां खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया है। पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, लेकिन वो फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है, जिसके लिए पूरे पंजाब में छापेमारी की जा रही है। इसके लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। तो वहीं अब तक अमृतपाल से जुड़े 78 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं इस हालात को देखते हुए पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि वहां पर दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इंटरनेट और साथ ही साथ SMS की सुविधा को फिलहाल बंद कर दिया गया है और छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। वो गांव जहां से अमृतपाल ताल्लुक रखता है, उसे पूरी तरीके से छावनी में इस वक्त बदल दिया गया है। अमृतपाल सिंह से जुड़ी ये बड़ी खबर पंजाब से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पहले जानकारी ये मिली थी कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बाद में पुलिस ने इस खबर को अफवाह बताया था। पंजाब के कई जिलों में पुलिस की टीमें अमृतपाल सिंह की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमृतपाल पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसकी दो कारों को जब्त कर लिया गया और उसके हथियारों की वैधता की जांच की जा रही है। हालांकि पहले खबर आई थी कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में पुलिस ने गिरफ्तारी की खबर को गलत बताया। जालंधर के पुलिस कमिश्नर ने अमृतपाल सिंह को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। वो पगोड़ा होया पंजा होया ऐसी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। वहीं अमृतपाल सिंह और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस के एक्शन के बाद उसके पिता तरसेम सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लोग उनके घर आए थे, इस दौरान उन्होंने तलाशी ली। तरसेम सिंह ने कहा कि अगर पुलिस को अमृतपाल को गिरफ्तार करना था तो सुबह जब वो घर से निकल रहा था उसी वक्त कर लेना चाहिए था। बोल रहे थे अरेस्ट करना है, मैं बोला अरेस्ट करना तो घर से 8:30 बजे गए, उसी टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए, इससे ज्यादा तो मेरे हम लोग को कोई मालूम नहीं है। दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह के गांव जल्लूपुर खेड़ा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में रैपिड एक्शन फोर्स CRPF और पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमृतपाल सिंह कौन है और किस वजह से फिलहाल वो सुर्खियों में आए। देखिए, कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख है अमृतपाल सिंह। दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम का यह संगठन बनाया था और सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई। संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल इसका प्रमुख बना। साल 2012 से पहले ही अमृतपाल का परिवार दुबई चला गया था और दुबई में ट्रांसपोर्ट का कामकाज अमृतपाल देखा करता था, लेकिन अमृतपाल साल 2022 में दुबई से पंजाब वापस आया। पंजाब पुलिस ने एक तरफ भगोड़े अमृतपाल सिंह को काबू करने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चला रखा है, तो वहीं कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे के कार्यकर्ताओं पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अभियान के तहत पूरे राज्य में अमृतपाल से जुड़े 78 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। इस दौरान उनके पास से भारी तादाद में हथियार जब्त किए गए। खबरों के मुताबिक 8 राइफल, 1 रिवॉल्वर और अलग अलग कैलिबर के 373 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। टोटल तो पंजाब से 78 दे आसपास है, जेडे इदे गनमैन है नेड़े तेड़े वाले जेडे इदी दोनों गड्डिया च चलदे सी वो भी असी सारे रेस्ट। वहीं पुलिस ने बताया कि कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े लोगों पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके तहत कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल पुलिस ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया, साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है और राज्य की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। दरअसल पिछले महीने अमृतपाल और उसके समर्थक तलवारी और पिस्तौल लहराते हुए अमृतसर के अजनाला थाने में घुस गए थे। इस दौरान अमृतपाल के एक करीबी को छुड़ाने के लिए उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इस घटना में एक पुलिस अधीक्षक समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ बड़े एक्शन के बाद कानून व्यवस्था और सुरक्षा को दुरुस्त रखने के मकसद से पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। यहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। माहौल बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से कई सख्त कदम उठाए गए हैं। पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा और SMS की सुविधा बंद कर दी गई है। साथ ही कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है। अमृतसर में अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेरा में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं जालंधर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां नकोदर में भी पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। कई इलाकों में पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। कपूरथला में भी पुलिस ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के मकसद से फ्लैग मार्च किया और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि आम लोगों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। शांति कायम रखने लिए ड्यूटी लॉन ऑर्डर लिए असी ये फ्लैग मार्च फोर्स तुहाडे सामने आ। फ्लैग मार्च की पब्लिक नू सेफ्टी फील होवे।
पंजाब के फाजिलका और श्री मुक्तसर साहिब में जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई गई। यहां से शुरू होने वाले अमृतपाल की खालसा वहीर यात्रा को रद्द कर दिया गया है और लोगों से इस यात्रा में शामिल नहीं होने की चेतावनी भी दी गई और रोकने के बावजूद भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई। पंजाब पुलिस के अमृतपाल पर एक्शन के बाद हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस ने अपने अपने इलाकों में विशेष नाके लगाकर सख्त चेकिंग अभियान चलाया। दिसंबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सभी राज्यों के डीजीपी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पंजाब के डीजीपी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई थी। इसमें उन्होंने हथियार और नशे की तस्करी के अलावा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के बारे में भी विस्तार से बताया था। आपको बता दें कि 17 फरवरी 2023 को अमृतपाल के करीबी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को रूपनगर के एक व्यक्ति वरिंदर सिंह से मारपीट और उसके अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामले में अमृतपाल के खिलाफ भी FIR दर्ज है। 23 फरवरी 2023 को कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अजनाला के थाने पर बंदूकों और तलवारों से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में 6 पुलिसकर्मी और अमृतपाल के कुछ समर्थक भी जख्मी हुए थे। ये सभी अमृतपाल के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वहीं 23 फरवरी 2023 को अजनाला थाने पर हमले की घटना के एक दिन बाद स्थानीय अदालत ने लवप्रीत सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर उसे रिहा कर दिया गया। 25 फरवरी 2023 को पंजाब में खालिस्तान की मांग पर आगे बढ़ रहे वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप करने की तैयारी की, जिसके बाद 2 मार्च 2023 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पंजाब में CRPF और RAF की 18 कंपनी तैनात की गई। वहीं 11 मार्च 2023 को अमृतपाल के सहयोगियों पर कार्रवाई शुरू हुई। पंजाब पुलिस के बाद जम्मू प्रशासन की पुलिस ने भी यहां पर बड़ी कार्रवाई की। अमृतपाल के 2 साथियों के हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। 18 मार्च 2023 को अजनाला पुलिस थाने पर हमले के मामले में पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए अभियान चलाया और पंजाब के कई जिलों में रविवार दोपहर तक इंटरनेट बंद कर दी गई है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क हादसा हो गया, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें सवार 25 यात्री घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में कुल 35 यात्री सवार थे। तो ये बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां पर बस पलटने से ये हादसा हुआ है। बस में सवार 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। बस में कुल 35 यात्री सवार थे।